आज हम लोग देखते हैं एक नया चैप्टर इन इक्वालिटी। अब इन इक्वालिटी को हिंदी में अगर इसको समझना चाहें ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इन और ये इक्वालिटी। इक्वालिटी का हम लोग जानते हैं इक्वल इन मतलब नहीं, ठीक है, जो चीज इक्वल नहीं है। जो चीज इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो वो लेस देन होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा, ठीक। इसका मतलब जो इक्वल नहीं है इसको दो तरीका दिखा सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन इक्वालिटी बोलेंगे। अब इस रिलेटेड जो है कुछ हम लोग थ्योरम्स वगैरह करेंगे, रूल्स वगैरह। अब हम लोग देखते हैं पहला रूल, कुछ कुछ रूल वगैरह है इसमें, एक कुछ डेफिनेशन वगैरह है जो हम लोग को हमेशा रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, वी शैल से दैट ए इज ग्रेटर देन बी इफ, क्या कंडीशन, हम लोग ए को बी से ग्रेटर देन तब ये बोलेंगे जब ए माइनस बी जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली जो है अनदर डेफिनेशन, ए जो है लेस देन बी होगा, हम लोग बोलेंगे कि ए जो है बी से छोटा कब होगा, कब होगा ए बी से छोटा, जब ए माइनस बी जो है जीरो से छोटा होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लेकिन बहुत कारगर फॉर्मूला बोल सकते हैं, बहुत कारगर मतलब रूल्स वगैरह है। ये काफी ज्यादा यूज होता है जब एक क्वांटिटी को दूसरा क्वांटिटी से, मैथमेटिकल क्वांटिटीज को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, व्हेनेवर वी हैव टू सो दैट द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन द सेकंड एक्सप्रेशन, देन वी शैल डू दिस फर्स्ट, वी शैल यूज दिस फर्स्ट डेफिनेशन। अदरवाइज व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव द सेकंड एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एक्सप्रेशन, देन वी शैल डू दिस, वी यूज दिस डेफिनेशन। समझ गया, तो इसका हम यूज करेंगे। चलो आगे देखते हैं और क्या, आप देखते हैं हम लोग रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या बोलता है कि अगर a ग्रेटर देन c होगा, ठीक, a ग्रेटर देन c होगा, देन a में इधर कोई चीज एक्स्ट्रा क्वांटिटी b जोड़ेंगे, c में एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर b जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से इनइक्वालिटी साइन विल नॉट रिवर्स, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बढ़ा तो बढ़ा ही जाएगा ऑटोमेटिक। इसका प्रूवमेंट कोई बड़ा चीज नॉर्मल हम लोग समझ सकते हैं, कोई नंबर जो है चार ग्रेटर देन तीन है, ठीक है, चार ग्रेटर। अब इसमें मान लो इधर जोड़ेंगे एक, इधर भी जोड़ेंगे एक, ऑटोमेटिक ये पांच बन जाएगा, ये चार बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब मतलब नॉर्मल इसको एग्जाम टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, इसके लिए प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल नॉर्मल दिमाग समझ सकता है। सिमिलरली इफ इफ ए इज लेस देन सी, इफ वी एड एनी क्वांटिटी बी बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज, वो जो है कन्वर्ट नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी छोटा ही रह जाएगा सी प्लस बी से। अगर और भी चीज हम लोग दे सकते हैं, अगर मान कर चलो घटा भी देंगे, अगर ए में भी घटा भी देंगे तो फिर भी चेंजिंग नहीं होगा। ए अगर इधर देखो, अगर ए में भी घटा भी देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका एग्जांपल यही नॉर्मल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, अगर इसमें कोई चीज मान लो जोड़ो, अगर एक जोड़ो इधर भी एक जोड़ो, ये छोटा ही रह जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें मान लो माइनस टू करो, इधर माइनस टू करो, दिस इज वन एंड दिस इज थ्री, अगेन द लेफ्ट साइड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द राइट साइड क्वांटिटी। मतलब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जोड़ घटा करो, कोई दो क्वांटिटी के बीच में अगर कोई इनइक्वालिटी साइन है तो इनइक्वालिटी साइन वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, और एक रूल है, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू इसको नाम देते हैं। रूल नंबर टू क्या बोलता है, रूल नंबर टू बोलता है अगर इफ ए ग्रेटर देन सी तो, और बी जो है जीरो से बड़ा है, बी जीरो के बराबर नहीं, बी जीरो से बड़ा, ए ग्रेटर देन सी है एंड बी जीरो से बड़ा है, ध्यान दो, तो ए बी बड़ा होगा बीसी से। मतलब ए बी क्या हो जाएगा, बीसी से बड़ा हो जाएगा। अब इसको फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चार ग्रेटर देन तीन है, चलो एक नंबर ऐसा सोचो जो कि जीरो से बड़ा है, कोई भी चीज सोचो, टू चलो सोचते हैं। इसका मतलब फोर इंटू टू थ्री इंटू टू, देखो क्या हो जाएगा, ये एट हो गया, ये सिक्स हो गया, फिर अगेन द लेफ्ट साइड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द राइट साइड क्वांटिटी। तो अब देखते हैं कि अगर बी का मान नेगेटिव है, दैट इज बी, इफ बी इज लेस देन जीरो, इफ बी इज लेस देन जीरो तब क्या होगा, तब बताओ क्या होगा, ए बी जो ना चौंच घूम जाएगा, चौंच जो है इनइक्वालिटी साइन जो है क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू कंसीडर फोर इज ग्रेटर देन थ्री एंड इफ यू थिंक अबाउट अ नंबर बी विच इज लेस देन जीरो, लेट मी थिंक, माइनस टू, माइनस टू इज लेस देन जीरो। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी साइन बाय माइनस टू, द लेफ्ट साइड क्वांटिटी विल बी माइनस एट, वेयर इज द राइट साइड क्वांटिटी विल बी माइनस सिक्स। हम लोग जानते हैं माइनस एट इज लेस देन माइनस सिक्स, चौंच विल रिवर्स्ड, मतलब क्या हुआ रे, इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो द इनइक्वालिटी साइन विल नॉट गेट चेंज्ड।
बट इफ बी इज लेस देन जीरो है कि नहीं, दैट इज मल्टीप्लाई, इफ द मल्टीप्लायर इज लेस देन जीरो नेगेटिव देन द इनइक्विटी साइन विल गेट चेंज. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. और कुछ हम लोग देख लेते हैं. अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस ऑफ रूल टू. रूल टू में हम लोग देखे थे इफ ए इज ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन जीरो था तो ए बी ग्रेटर देन बी सी हो गया था, वेयर एज इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन ए बी चेंज हो जाता था साइन बी सी. नाउ ए अगर हम लोग मान लो बी इक्वल टू माइनस वन कंसिडर करते हैं, माइनस वन कंसिडर करते हैं, तो अगर यहाँ मान लो ए ग्रेटर देन सी रहेगा तो माइनस वन दैट इज माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा सी के साथ. तो ये जो है इनइक्विटी साइन ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, दैट इज माइनस ए माइनस सी. इसको दूसरा तरीका से देख सकते हैं कि मान लो अगर माइनस ए ग्रेटर देन माइनस सी है, ठीक है, तो अगर इधर उधर से माइनस हटाएंगे, माइनस हटाने का मतलब क्या हो गया, इधर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ए इज लेस देन सी हो जाएगा. इन शॉर्ट अगर देखें तो हम लोग जब भी कभी माइनस हटाएंगे, ब्लिंक करेंगे, व्हेनेवर वी ब्लिंक द माइनस बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्विटी साइन, देन द इनइक्विटी साइन विल गेट चेंज. समझ रहे हो, समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. अच्छा, इसके रिलेटेड और भी हम लोग रूल कुछ देख लेते हैं. देखो जैसे ए ग्रेटर देन सी है, इसको रूल नंबर थ्री कर देते हैं. अगर ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, अगर मान के चलो इधर हम ए को किसी नंबर से डिवाइड किए बी और इधर सी, अभी हम लोग ये नहीं जान रहे कि बीच में क्या होगा, इधर भी बी से डिवाइड कर दिए. अब यहाँ पर देखो बी अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इस केस में अगर बी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा, बिकॉज अगर मान लो ए ग्रेटर देन सी है तो ए जो है लार्जर क्वांटिटी है देन सी से है, तो लार्जर क्वांटिटी का मान लो इधर पार्ट करेंगे हम सेवन पार्ट, इधर भी सेवन पार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका ये पार्ट क्या होगा, लार्जर पार्ट होगा ना. ईच पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड लेफ्ट क्वांटिटी विल ग्रेटर देन टू ईच पार्ट ऑफ द राइट क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान के चलो कि एक जो है ना 250 किलो का चॉकलेट है, कितना 250 किलो का चॉकलेट है और ये कितना है 50 किलो का चॉकलेट है, ठीक. अगर मान लो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड, 3 से तो होगा नहीं बड़ा है, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाला है क्या, अगर अगर ए ग्रेटर देन सी है, अगर हम इधर बी से डिवाइड किया, बी से डिवाइड कर दिया और बी जो है मेरा क्या है लेस देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, भी नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा चॉइस क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, इनइक्विटी साइन विल गेट चेंज. अच्छा एक और भी रूल है, लेट कंसीडर करो 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक. अगर इधर हम रेसिप्रोकल करते हैं 1/4 1/3, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, ठीक, व्युत्क्रम करना, 1/4 1/3. अब देखिए 1 को कितना पार्ट में बांट रहा है, 4 पार्ट में बांट रहा है, जबकि 1 को कितना पार्ट में बांट रहा है, 3 पार्ट में बांट रहा है, इसका मतलब ये तो इसका पार्ट से बड़ा हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये रेसिप्रोकल करने पर क्या हो रहा है, इनइक्विटी साइन चेंज हो रहा है, दैट इज इफ, ये रूल नंबर हम लोग 4 डाल देते हैं, अगर ए ग्रेटर देन सी है देन 1/a लेस देन हो जाएगा 1/c. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आज हम लोग देख लिए. चलो